इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने नगरीय निकाय के अधिकारियों की कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आज समीक्षा बैठक ली। गर्मी में पेयजल संकट उत्पन्न न हो, इसके अन्य बिंदुओं पर भी कलेक्टर ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शहर के विद्या निकेतन स्कूल में शुक्रवार को प्रतिभा सम्मान का आयोजन किया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में बीईओ अशरफ अली उपस्थित थे। कार्यक्रम में कक्षा 5वीं में प्रथम आई छात्रा नवलीन, पिता देवी नंद डहरिया, द्वितीय दिशा बंदेवार तथा तीसरे स्थान पर आए पथ कोलारे का विशेष रूप से सम्मान किया गया। इस अवसर पर स्कूल प्राचार्य सहित अन्य शिक्षक मौजूद रहे। हिंदी विचारणी समिति द्वारा संचालित विद्या निकेतन स्कूल उत्तर माध्यमिक शाला द्वारा सन 23-24 के आयोजित बोर्ड परीक्षाओं में कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं के बच्चों को जिन्होंने अच्छे अंकों से परीक्षाएं उत्तीर्ण की उनको विद्या निकेतन उत्तर माध्यमिक शाला द्वारा सम्मानित किया गया, उनका उत्साहवर्धन किया गया। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री अशरफ अली साहब थे। समिति के कई पदाधिकारी उपस्थित थे, बहुत से विभाग गण भी आए हुए थे बच्चों के साथ में। सबका बड़ा उत्साहवर्धन किया और लोगों ने इस कार्य को बड़ा प्रशंसनीय माना उसको। तिरोले कुनबी समाज ने बुधवारी बाजार में करंट से झुलसकर मौत होने पर वैशाली साड़ी सेंटर के दोनों मृतक भाइयों के परिजनों को मुआवजा दिलाए जाने की मांग को लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। आज तिरोले कुनबी समाज का संगठन एवं सभी तिरोले कुनबी समाज के सामाजिक बंधुओं ने यहाँ कलेक्ट्रेट में उपस्थित होकर माननीय कलेक्टर महोदय एवं SDM महोदय को ज्ञापन सौंपा और 23 अप्रैल को वैशाली साड़ी सेंटर के संचालक गजानन घोगरे एवं शंकर घोगरे की जो करंट लगने से आकस्मिक मृत्यु हुई है, दोनों मनोहर घोगरे एवं शंकर बेटे दोनों के दो दो बच्चे हैं और दोनों नाबालिग हैं, यहाँ विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण हुआ है। उत्कृष्ट विद्यालय छिंदवाड़ा में कक्षा 10वीं के साइंस में प्रैक्टिकल नंबर में गड़बड़ी हुई है। बताया जाता है कि साइंस विषय की थ्योरी में सर्वाधिक अंक मिलने के बावजूद कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल में 25 में से 15 अंक से ज्यादा किसी को भी नहीं दिए गए हैं, जिससे कुछ विद्यार्थी मेरिट में आने से चूक गए हैं। उत्कृष्ट विद्यालय ने इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा मंडल को पत्र भी लिखा है, जिसमें विद्यार्थियों को 10 अंक कम मिलने की बात कही गई है। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MSDNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहां संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार बार गर्भपात का इलाज, TT का ऑपरेशन और TT खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुँच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे पूनम चैम्बर। दिल्ली की मशहूर डॉक्टर अब छिंदवाड़ा में दिल्ली एम्स एवं सफदरजंग हॉस्पिटल की सुप्रसिद्ध डॉक्टर जसप्रीत गोगिया की सेवा अब छिंदवाड़ा के डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक में। क्लिनिक में आप पाएंगे OPD, IPD, NICU सुविधाएं, नवजात शिशु और बच्चों से संबंधित सभी बीमारियों का सटीक इलाज, बच्चों के दमा और एलर्जी बीमारियों की विशेषज्ञ डॉक्टर जसप्रीत गोगिया। डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक, सत्कार चौक, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9993585888872742004।
जिला पंचायत सीईओ कार्यालय के इलेक्ट्रिक बोर्ड में शॉर्ट सर्किट के बाद आग लग गई, जिसके बाद तत्काल कार्यालय में पदस्थ कर्मियों द्वारा अग्निशमन यंत्र से आग पर नियंत्रण पाया गया तथा मामले की जानकारी बिजली विभाग को दी गई, जिसके बाद बोर्ड को दुरुस्त किया गया।